आज हम लाए हैं आपके लिए सैमसंग का M21 की अनबॉक्सिंग, जो कि लो बजट मोबाइल है। आपको इजीली मिल जाएगा 15 to 16,000 रुपीज़ अप्रॉक्स ऐसे ही। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, हम जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं तो हमको मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन, और इसके अंदर कुछ हमको मिलते हैं यूज़र मैनुअल्स। काफ़ी नॉलेज है इसमें, तो इसको रखते हैं साइड में और हम आते हैं अपने मेन गैजेट पे, जो कि ये है हमारा मेन गैजेट। ये देखिए, आइए बॉक्स में क्या क्या दिया है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है देखिए चार्जर, जो कि 15 वॉट का आउटपुट देता है, और ये सैमसंग का M21 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये है एक USB केबल। तो इसको हम रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन गैजेट पे। तो ये है हमारा सैमसंग का M21 मेन गैजेट। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन दी हुई है, प्रोटेक्शन कवर, इसको हटाते हैं। ये है हमारा मेन गैजेट सैमसंग का M21। ये देखिए, इसके आपको दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, एक जो है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, और एक है 6GB रैम और 128GB वेरिएंट के साथ स्टोरेज, है ना। तो ये हमारा जो गैजेट है वो है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। और इसकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, तो हमें राइट साइड में ऑन और ऑफ का बटन मिल रहा है, और वॉल्यूम रॉकर दिया हुआ है। अप साइड पे सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे दी हुई है, जिसमें 3 स्लॉट है, 3 स्लॉट्स आर अवेलेबल। और नीचे की बात करते हैं तो हमें हेडफोन जैक मिलता है, और ये सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और ये है हमारा स्पीकर। और इसकी जो स्क्रीन है वो है 6.4 इंच की। तो चलिए आइए आपको ऑन करके दिखाते हैं। का डिस्प्ले, तो जब तक ऑन हो रहा है तो आपको और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं आपको इसके। इसका जो बैक साइड पे आपको दिख रहा है, ये पूरा प्लास्टिक का है, और ये है, ये सैमसंग M21 में दो कलर अवेलेबल है, एक मिडनाइट ब्लू और एक है रेवन ब्लैक। और ये एक सेंसर दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर के रेयर ही है, फ्रंट में नहीं है सेंसर। और आइए इसके कैमरे की बात करते हैं, तो रेयर कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल मिलता है, और 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के साथ, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा टच है इसका, और इसमें आपको मिलती है बैटरी, आपको इसमें बहुत अच्छी मिल रही है 6000 mAh की। और ये जो लॉन्च डेट है इसकी इंडिया में वो है मार्च 18, 2020 की, और इसमें जो है ऑक्टा कोर 2.3 GHz का है ना। और इसका जो वेट है वो बहुत लाइट वेट है, 188 grams का सिर्फ है ये, है ना। और ये इसमें जो है हमें प्रोटेक्शन दी हुई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, जो कि काफ़ी प्रोटेक्ट करती है इसको और अच्छा बनाती है। और जिसमें एंड्रॉयड यूज़ करा है वो आपको दिखाते हैं, एंड्रॉयड कौन सा है,
एंड्रॉयड वर्जन 10 दिया हुआ है इसमें हम लोग को, जो कि लेटेस्ट है। और इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको वाइड एंगल भी दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारे मोड हैं जिससे आप फोटो भी खींच सकते हैं और सुपर स्टडी वीडियो मोड भी दिया हुआ है इसमें, तो इसकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती हैं, है ना। और इसका जो इमेज रेजोल्यूशन है वो 8000x6000 पिक्सल्स का है मैक्सिमम, है ना, जो मैक्सिमम रेंज है, है ना। और इसमें कस्टम यूआई जो है वो सैमसंग का वन यूआई दिया हुआ है। और जो इसमें काफ़ी सेंसर्स हैं वो है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और एक्सेलेरोमीटर सेंसर, गायरोस्कोप, ये सारे सेंसर्स इसमें अवेलेबल हैं। और ये एक फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और इसमें ब्लूटूथ 5.0 अवेलेबल है। इसकी थिकनेस जो है वो 8.9 mm की है, है ना। और इसकी हाइट जो है वो है 159 mm की। और डिस्प्ले एमोल्ड डिस्प्ले दिया हुआ है आपको इसमें। और स्क्रीन रेजोल्यूशन तो आपको बता ही चुके हैं। ये ड्रॉप नॉच भी दिया हुआ है इसमें जो कि काफ़ी अच्छी इसको लुक दे रहा है फ़ोन को। तो ये था हमारा सैमसंग का M21 जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में अच्छा मोबाइल लो बजट में आपको मिल जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये मोबाइल। थैंक यू वेरी मच।